लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पूरे देश भर में मनाई गई और शहर और प्रदेश सहित देश भर में कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए गए और इसी के चलते उज्जैन में कोठी पैलेस से लेकर कालिदास अकादमी तक 1 मार्च पास्ट पुलिस कर्मियों के द्वारा निकाला गया, जिसमें संभाग आयुक्त अजीत कुमार और IG राकेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कलेक्टर शशांक मिश्र सहित SP सचिन अतुलकर भी मौजूद थे और देश में एकता और अखंडता का संदेश देने और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से यहां मार्च पास्ट निकाला गया। संभागायुक्त अजीत कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर यह आयोजन किया गया। शासन द्वारा आज 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन रखा गया है और उसी के उद्देश्य के फलस्वरूप संध्याकालीन मार्च पास्ट का आयोजन करने के निर्देश हैं, तो उसी का आयोजन आज यहाँ किया जा रहा है, जिससे कि एक एकता का भाव और सुरक्षा का भाव लोगों के ये मार्च पास्ट है। मार्च पास्ट हमारा मेला कार्यालय के बाहर से कालिदास अकादमी तक रहेगी। देखिए, आज जैसा कि आपने देखा कि मार्च पास्ट है और ये बेसिकली भारत की एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए इसको निकाला गया है। आज सुबह भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था और ये बेसिकली देश के नागरिकों में एक एकता और अखंडता का भाव लाने के लिए इसको आयोजित किया गया है।